वासुदेव संकर्षण आदि के मंत्रों का निर्देश तथा एक बिहू से लेकर द्वादश बिहू तक के बिहों का एवं पंचविश और षष्ठविश बिहू का वर्णन। नारद जी कहते हैं, ऋषियों अब मैं वासुदेव आदि के आराधनीय मंत्रों का लक्षण बता रहा हूँ। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन चार बिहू मूर्तियों के नाम के आदि में ओम, फिर क्रमशः अ आ अम अह, ये चार बीज तथा नमो भगवते पद जोड़ने चाहिए और अंत में नमः पद को जोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से इनके पृथक पृथक चार मंत्र बन जाते हैं। इसके बाद नारायण मंत्र है, जिसका स्वरूप है ओम नमो नारायणाय, ओम तत्सत ब्रह्मणे ओम नमः, ये ब्रह्म मंत्र है। ओम विष्णुवे नमः, ये विष्णु मंत्र है। ओम छौं ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमः, ये नरसिंह मंत्र है। ओम भूर्नमो भगवते वरायाः, ये भगवान वराह का मंत्र है। ये सभी मंत्र राज हैं। उपर्युक्त नौ मंत्रों के वासुदेव आदि नौ नायक हैं, जो उपासकों के वल्लभ इष्ट देवता हैं। इनकी अंग क्रांति क्रमशः जवाकुसुम के सदृश अरुण, हल्दी के समान पीली, नीली, श्यामल, लोहित, मेघ सदृश अग्नि तुल्य तथा मधु के समान पिंगल है। तंत्रवेत्ता पुरुषों को स्वर के बीजों द्वारा क्रमशः पृथक पृथक हृदय आदि अंगों की कल्पना करनी चाहिए। उन बीजों के अंत में अंगों के नाम रहने चाहिए, यथा ओम आ हृदयाय नमः, ओम ई शिरसे स्वाहा, ओम उं शिखाय वष्टः, और उन अंग नामों के अंत में नमः आदि पद जुड़े होते हैं, यथा क्लाय हृदयाय नमः, क्लिंग शिरसे स्वाहा इत्यादि। हरस्व स्वरों से युक्त बीज वाले अंग उपांग कहलाते हैं। देवता के नाम संबंधी अक्षरों को पृथक पृथक करके उनमें से प्रत्येक के अंत में बिंदुवात्मक बीज का योग करके उसमें अंगन्यास करना भी उत्तम माना गया है। अथवा नाम के आदि अक्षर को दीर्घ स्वरों एवं हरस्व स्वरों से युक्त करके अंग उपांग की कल्पना करें और उनके द्वारा क्रमशः न्यास करें। हृदय आदि अंगों की कल्पना के लिए व्यंजनों का यही क्रम है। देवता के मंत्र का जो अपना स्वर बीज है, उसके अंत में उसका अपना नाम देकर अंग संबंधी नामों द्वारा पृथक पृथक व्याप 5 से लेकर 12 अंगों तक के न्यास वाक्य की कल्पना करके सिद्धि के अनुरूप उसका जप करें। हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र, ये 6 अंग हैं। मूल मंत्र के बीजों का इन अंगों में न्यास करना चाहिए। 12 अंग ये हैं: हृदय, सिर, शिखा, हाथ, नेत्र, उदर, पीठ, बाहु, उरु, जानु, जंघा और पैर। इनमें क्रमशः न्यास करना चाहिए। यह गरुड़ संबंधी बीज मंत्र है, यह गदा मंत्र है, यह पुष्टि देवी संबंधी मंत्र है, यह श्री मंत्र है, यह पाचजन्य शंख का मंत्र है, यह वनमाला का और ये पद्म या पद्मनाभ का मंत्र है। बीज रहित पद वाले मंत्रों का अंगन्यास उनके पदों द्वारा ही करना चाहिए। नाम संयुक्त जातन्य पदों द्वारा हृदय आदि 5 अंगों में पृथक पृथक न्यास करें। पहले प्रणव का उच्चारण, फिर हृदय आदि पूर्वोक्त 5 अंगों के नाम क्रम ये हैं। उदाहरण के लिए यूं समझना चाहिए, ओम हृदयाय नमः इत्यादि। पहले प्रणव तथा हृदय मंत्र का उच्चारण करें, अर्थात ओम हृदयाय नमः कहकर हृदय का स्पर्श करें, फिर पराय शिर से स्वाहा बोलकर मस्तक का स्पर्श करें, तत्पश्चात इष्ट देव का नाम लेकर शिखा को छुएं, अर्थात वासुदेवाय शिखाय वशट बोलकर शिखा का स्पर्श करें। इसके बाद आत्मने कवचाय हूं बोलकर कवच न्यास करें, पुनः देवता का नाम लेकर अर्थात वासुदेवाय अस्त्राय फट बोलकर अस्त्र न्यास की क्रिया पूरी करें। आदि में ओमकारादि जो नामात्मक पद हैं, उसके अंत में नमः पद जोड़ दें और उस नामात्मक पद को चतुरंथ करके बोलें। एक बिहू से लेकर षष्ठविंश बिहू तक के लिए ये समान मंत्र हैं।
कनिष्ठा से लेकर सभी अंगुलियों के हाथ के अग्रभाग में प्रकृति का अपने शरीर में ही पूजन करें। पराय पद से एकमात्र परम पुरुष परमात्मा का बोध होता है, वही एक से दो हो जाता है, अर्थात प्रकृति और पुरुष दो व्यूहों में अव्यक्त होता है। ये व्यापक मंत्र है। वसु, अर्क, सूर्य और अग्नि, ये त्रिव्यूहात्मक मूर्तियां हैं। इन तीनों में अग्नि का न्यास करके हाथ और संपूर्ण शरीर में व्यापक न्यास करें। वायु और अर्क का क्रमशः दाएं और बाएं दोनों हाथों की उंगलियों में न्यास करें तथा हृदय में मूर्तिमान अग्नि का चिंतन करें। त्रिव्यूह चिंतन का यही क्रम है। चतुर्व्यूह में चारों वेदों का न्यास होता है। ऋग्वेद का संपूर्ण देह तथा हाथ में व्यापक न्यास करना चाहिए। अंगुलियों में यजुर्वेद का, हथेलियों में अथर्ववेद का तथा हृदय और चरणों में शीर्ष स्थानीय सामवेद का न्यास करें। पंचव्यूह में पहले आकाश का पूर्ववत शरीर और हाथ में व्यापक न्यास करें, फिर उंगलियों में भी आकाश का न्यास करके वायु, ज्योति, जल और पृथ्वी का क्रमशः मस्तक, हृदय, गुहा और चरण, इन अंगों में न्यास करें। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पांच तत्वों को पंचव्यूह कहा गया है। मन, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका, इन छह इंद्रियों को षड्व्यूह की संज्ञा दी गई है। मन का व्यापक न्यास करके शेष पांच का अंगुष्ठ आदि के क्रम से पांचों उंगलियों में तथा सिर, मुख, हृदय, गुहा और चरण, इन पांच अंगों में भी न्यास करें। ये करणात्मक व्यूह का न्यास कहा गया है। आदिमूर्ति जीव सर्वत्व व्याप, आदिमूर्ति जीव सर्वत्व व्यापक है। भूर्लोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, कपोलोक और सत्यलोक, ये सात लोक सप्तव्यूह कहे गए हैं। इनमें से प्रथम भुवरलोक का हाथ एवं संपूर्ण शरीर में न्यास करें। भुवरलोक आदि पांच लोकों का अंगुष्ठ आदि के क्रम से पांचों उंगलियों में तथा सातवें सत्यलोक का हथेली में न्यास करें। इस प्रकार ये लोकात्मक सप्तव्यूह हैं, जिसका पूर्वोक्त क्रम से शरीर में न्यास किया जाता है। अब यज्ञात्मक सत्व व्यूह का परिचय दिया जाता है। सप्त यज्ञ स्वरूप यज्ञ पुरुष परमात्मा देव श्रीहरि संपूर्ण शरीर एवं सिर, ललाट, मुख, हृदय, गुहा और चरण में स्थित हैं, अर्थात उन अंगों में उनका न्यास करना चाहिए। वे यज्ञ इस प्रकार हैं। अग्निष्टोम, उकत्थ, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याम, ये छह यज्ञ तथा सातवें यज्ञात्मा, इन सात रूपों को यज्ञमय सप्तव्यूह कहा गया है। बुद्धि, अहंकार, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये आठ तत्व अष्टव्यूह रूप हैं। इनमें से बुद्धि तत्व का हाथ और शरीर में व्यापक न्यास करें, फिर उपर्युक्त आठों तत्वों का क्रमशः चरणों के तलवों, मस्तक, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुहा, देश और पैर, इन आठ अंगों में न्यास करना चाहिए। इन सबको अष्टव्यूहात्मक पुरुष कहा गया है। जीव, बुद्धि, अहंकार, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध गुण, इनका समुदाय नवव्यूह है। इनमें से जीव का दोनों हाथों में अंगूठों में न्यास करें और शेष आठ तत्वों का क्रमशः दाहिने हाथ की तर्जनी से लेकर बाएं हाथ की तर्जनी तक आठ उंगलियों में न्यास करें। संपूर्ण देह, सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुहा, जानू और पाद, इन नौ स्थानों में उपर्युक्त नौ तत्वों का न्यास करके इंद्र का पूर्ववत व्यापक न्यास किया जाए तो यही दश व्यूहात्मक न्यास हो जाता है। दोनों अंगुष्ठों में, तलद्वय में, तर्जनी आदि आठ अंगुलियों में तथा सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुहा, उपस्थ और गुदा, जानुद्वय और पादद्वय, इन ग्यारह अंगों में ग्यारह इंद्रियात्मक तत्वों का जो न्यास किया जाता है उसे एकादश व्यूह न्यास कहा गया है। ये ग्यारह तत्व इस प्रकार हैं: मन, श्रवण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, वाक, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ। मन का व्यापक न्यास करें। अंगुष्ठ द्वय में
श्रवण इंद्रियों का न्यास करके शेष त्वचा आदि आठ तत्वों का तर्जनी आदि आठ उंगलियों में न्यास करना चाहिए। शेष जो ग्यारहवां तत्व उपस्थ है उसका तलद्वय में न्यास करें। मस्तक, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, चरण, गुहा, उरुद्वय, जंघा, गुल्फ और पैर, इन ग्यारह अंगों में भी पूर्वोक्त ग्यारह तत्वों का क्रमशः न्यास करें। विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, केशव, नारायण, माधव और गोविंद, ये द्वादश द्वादशात्मक भी हुए। इनमें से विष्णु का तो व्यापक न्यास करें और शेष भगवान नामों का अंगुष्ठ आदि दस उंगलियों एवं करतल में न्यास करके फिर पादतल, दक्षिण पाद, दक्षिण जानु, दक्षिण कटी, सिर, शिखा, वक्ष, वाम कटी, मुख, वाम जानु और वाम पाद आदि में भी न्यास करना चाहिए। ये द्वादश व्यूह हुआ। अब पंचविंश एवं षडविंश व्यूह का परिचय दिया जाता है। पुरुष, बुद्धि, अहंकार, मन, चित्त, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, वाक, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, भूमि, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 25 तत्व हैं। इनमें से पुरुष का सर्वांग में व्यापक न्यास करके 10 का अंगुष्ठ आदि में न्यास करें। शेष का करतल, सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुहा, उरु, जानु, पैर, उपस्थ, हृदय और मूर्धा में क्रमशः न्यास करें। इन्हीं में सर्वप्रथम परम पुरुष परमात्मा को सम्मिलित करके उनका पूर्ववत व्यापक न्यास कर दिया जाए तो षडविंश व्यूह का न्यास संपन्न हो जाता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि अष्टदल कमल चक्र में प्रकृति का चिंतन करके उसका पूजन करें। उस कमल के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दलों में हृदय आदि चार अंगों का न्यास करें। अग्निकोण आदि में दलों में अग्निकोण आदि के दलों में अस्त्र एवं वैंतेय, गरुड़ आदि को पूर्ववत स्थापित करें। इस तरह पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि दिक्पालों का चिंतन करें। इन सब के ध्यान पूजन की विधि एक सी है। सूर्य, सोम और अग्नि रूप त्रिभु में अग्नि का स्थान मध्य में है। पूर्वादि दिशाओं में दलों में जिनका आवास है उन देवताओं के साथ कमल की कर्णिका में नाभस आकाश की भांति व्यापक आत्मा तथा मानस अंतरात्मा विराजमान है। साधक को चाहिए कि वो संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए तथा राज्य पर विजय पाने के लिए विश्वरूप परमात्मा का यजन करे। संपूर्ण व्यूहों, हृदय आदि पांचों अंगों, गरुड़ आदि तथा इंद्र आदि दिक्पालों के साथ ही उन श्री हरि की पूजा का विधान है। ऐसा करने वाला उपासक संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर सकता है। अंत में विश्वक्सेन की नाम मंत्रा से पूजा करें। नाम के साथ रौ बीज लगा लें, अर्थात रौ विश्वसनाय नमः बोलकर उनके लिए पूजनोपचार अर्पित करें। मुद्राओं के लक्षण। नारद जी कहते हैं, मुनिगण, अब मैं मुद्राओं का लक्षण बताऊंगा। सानिध्य, सन्निधापिनी आदि मुद्रा के प्रकार भेद हैं। पहली मुद्रा अंजलि है, दूसरी वंदनी है और तीसरी हृदयानुगा है। बाएं हाथ की मुट्ठी से दाहिने हाथ के अंगूठों को बांध लें और बाएं अंगुष्ठ को ऊपर उठा रखें। सारांश ये है कि बाएं और दाएं दोनों हाथों के अंगूठों सारांश ये है कि बाएं और दाहिने दोनों हाथों के अंगूठे ऊपर की ओर ही उठा रहे। यही हृदयानुगा मुद्रा है। इसी को कोई संरोधिनी और कोई निष्ठुरा कहते हैं। व्यवहारचना में ये तीन मुद्राएं साधारण हैं। अब आगे ये असाधारण विशेष मुद्राएं बताई जाती हैं। दोनों हाथों में अंगूठे से कनिष्ठा तक की तीन उंगलियों को नवाकर कनिष्ठा आदि को क्रमशः मुक्त करने से आठ मुद्राएं बनती हैं। अ क च ट त प य श, ये जो आठ वर्ग हैं उनके जो पूर्व बीज अंग कंग चंग टंग
इत्यादि हैं। उनको ही सूचित करने वाले उक्त 8 मुद्राएं हैं, ऐसा निश्चय करें। फिर पांचों उंगलियों को ऊपर करके हाथ को सम्मुख करने से जो नवी मुद्रा बनती है वो नवम बीज शम के लिए है। वो नवम बीज शम के लिए है। दाहिने हाथ के ऊपर बाएं हाथ को उतान देख रख दाहिने हाथ के ऊपर बाएं हाथ को उतान रखकर उसे धीरे धीरे नीचे को झुकाएं। ये वराह की मुद्रा मानी गई है। ये क्रमशः अंगों की मुद्राएं हैं। बायां मुट्ठी में बंधी हुई एक एक उंगली को क्रमशः मुक्त करें और पहले की मुक्त की हुई उंगलियों को फिर सिकोड़ लें। बाएं हाथ में ऐसा करने के बाद दाहिने हाथ में भी यही प्रक्रिया करें। बाएं हाथ में ऐसा करने के बाद दाहिने हाथ में भी यही क्रिया करें। बाईं मुट्ठी के अंगूठों को ऊपर उठाए रखें। ऐसा करने से मुद्राएं सिद्ध हो जाती हैं।